हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुफाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देन लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और अंडर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस टर्म आर ऑलवेज इनवेरियंट अंडर लोरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसका नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में देन इट रिमेन्स सेम। सो पहले एसटीआर डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई आइंस्टाइन इन 1905 विच इज़ वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम। इसका मतलब यह है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स है या फिजिकल लॉज है फॉर ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स रिमेन सेम इन एनी इनर्शियल फ्रेम। किसी भी इनर्शियल फ्रेम में जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो सेम रहेंगे। और इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं? दोज फ्रेम्स विच आर मूविंग विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद अनदर इनर्शियल फ्रेम। सो दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई आइंस्टीन इन 1905 एंड इट इज़ वैलिड फॉर इनर्शियल फ्रेम्स। और ये क्या कहता है कि फिजिकल लॉज ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स रिमेन्स सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। फिर आइंस्टीन ने दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915 में, विच इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेम्स वेदर दे आर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। तो इसने ये कहा कि जो फिजिकल लॉज है वो इंडिपेंडेंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम के या किसी भी रिफरेंस फ्रेम के। तो कोई भी रिफरेंस फ्रेम हो तो जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो सेम रहेंगे इन ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज वेदर दे आर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। तो इट अलाउज फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द फिजिकल लॉज ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैविंग एनी जनरल रिलेटिव मोशन। मतलब वो इनर्शियल भी हो सकते हैं नॉन इनर्शियल भी, तो सभी के लिए वैलिड होते हैं जो लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं। सो अब हम पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमें इसी पर फोकस करना है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो इसके पोस्टुलेट्स, टू पोस्टुलेट्स है विच आर गिवन बाई आइंस्टीन। फर्स्ट वन, द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू वन अनदर। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी बोल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। जो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, इट एक्सप्रेसिस द एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेम, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेम। सो दिस पोस्टुलेट एक्सप्रेसिस द एबसेंस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेम। सो इफ द लॉज ऑफ फिजिक्स वर डिफरेंट फॉर ऑब्जर्वर्स इन डिफरेंट फ्रेम्स इन रिलेटिव मोशंस, इट कुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डिफरेंसिस विच ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी इन स्पेस एंड विच आर मूविंग। बट बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सल फ्रेम, सो दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी मेड। मतलब ये नहीं बता सकते हम कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और कौन सा मूव कर रहा है, बिकॉज यूनिवर्सल फ्रेम्स आर नॉट प्रेजेंट। सो इफ द लॉज ऑफ फिजिक्स वर डिफरेंट फॉर ऑब्जर्वर्स इन डिफरेंट फ्रेम्स इन रिलेटिव मोशन,
देन इट कुड बी डिटरमाइंड फ्रॉम दीज डिफरेंसेस विच ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी इन स्पेस एंड विच आर मूविंग बट बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सल फ्रेम सो दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी मेड बट बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सल फ्रेम सो दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी मेड सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट सेकेंड पोस्टुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहे कोई भी फ्रेम हो स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी हमेशा सी इनर्शियल फ्रेम्स में द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंटेंसी ऑफ सी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड इसके लिए हम दो फ्रेम मान लेते हैं सपोज एक फ्रेम है एस एक्स वाई जेड इसका ओरिजिन है सपोज ओ और ये फ्रेम है एस अनदर फ्रेम इज एस डैश विच इज एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्स डैश वाई डैश जेड डैश दिस फ्रेम इज एस डैश एंड दिस फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एस अलोंग द एक्स डायरेक्शन सपोज इनिशियली जो इन दोनों का ओरिजिन था ओ और ओ डैश वो थे कोइंसाइड ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड एट टाइम टी इक्वल टू पहले फ्रेम में टाइम टी मतलब एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में टाइम सपोज टी डैश और दोनों कितने थे शुरुआत में जीरो अब हम क्या करते हैं एक लाइट सोर्स कंसिडर कर लेते हैं टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू जीरो पर सो इस फ्रेम में हम चेक करेंगे कि वो लाइट सिग्नल जो प्रोड्यूस करेगा कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऐसे ही एस डैश फ्रेम में चेक कर लेंगे सो जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एस फ्रेम में सपोज क्या है एक्स Y, Z और T कोऑर्डिनेट्स हैं उसके जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है X एक्सिस के लॉन्ग X, Y एक्सिस के लॉन्ग Y, Z एक्सिस के लॉन्ग Z और किस टाइम पर T टाइम पर ऐसे ही S डैश फ्रेम में X डैश Y, Z डैश Z डैश और T डैश सो S फ्रेम में X, Y, Z और T ये है S फ्रेम में और S डैश फ्रेम में हमने कंसिडर कर ली डिस्टेंसेज X डैश Y डैश Z डैश और T डैश सो जो इन दोनों में रिलेशन होगा x x डैश में वो क्या होगा x डैश इक्वल टू गामा एक कॉन्स्टेंट x माइनस वी टी इस टाइप से होगा कुछ क्योंकि x एक्सिस के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी की होगी t टाइम पर x माइनस वी टी और सपोज ये ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर है गामा y डैश इक्वल टू y एक्सिस के अलोंग कोई रिलेटिव मोशन नहीं है सिमिलरली z एक्सिस के अलोंग भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है और t डैश विल नॉट बी इक्वल टू t सपोज ठीक है सो ये है जब S फ्रेम में जो कोऑर्डिनेट्स है उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं S डैश फ्रेम में सिमिलरली इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं हम X इक्वल टू गामा V की जगह क्या पुट कर देंगे हम प्लस V सो X डैश प्लस V इंटू टी वाई इक्वल टू वाई डैश जेड इक्वल टू जेड डैश और T फिर से T डैश के इक्वल नहीं होगा वो हम चेक कर देंगे जो हम डेरिवेशन करेंगे अब हम एक लाइट सोर्स कंसिडर कर रहे हैं O पॉइंट पर So suppose a light source is at O and is
प्रोड्यूसिंग लाइट सिग्नल सपोज एट टी इक्वल टू टी डैश इक्वल टू जीरो। अब जो सिग्नल ट्रेवल करेगा दोनों फ्रेम में सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, क्योंकि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट है वो क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। जो लाइट सिग्नल की वेलोसिटी होती है सी, वो हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट। सो सपोज एक्स फ्रेम में, एस फ्रेम में एक्स इक्वल टू सी इंटू टी, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एस डैश फ्रेम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स डैश इक्वल टू सी, और टाइम कितना लेता है टी डैश। ओके, सो दीज टू इक्वेशंस आर अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। अब हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे और इन दोनों का टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स डैश एक्स टी डैश और टी। सो यहां से टाइम की टी की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं और टी डैश की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, इसको यहां पर पुट कर दो और इसको यहां पर पुट कर दो, चेक कर लेते हैं जरा क्या हो जाएगा। एक्स डैश इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी एक्स बाई सी, और उसमें पुट करने से क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी, ये टी डैश है, ये क्या है टी डैश, एक्स डैश प्लस वी, टी डैश कितना है एक्स डैश अपॉन सी। सो यहां से एक्स डैश अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी गामा वन माइनस वी बाई सी, और x अपॉन x डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी गामा 1 प्लस वी बाई सी। यहाँ पर x डैश बाई x है और यह है x बाई x डैश, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो x डैश अपॉन x इंटू एक्स बाई x डैश, राइट साइड में गामा स्क्वायर और ये 1 माइनस वी बाई सी, ये 1 प्लस वी बाई सी, सो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में 1, ये गामा स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर है गामा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो गामा की वैल्यू फाइंड हो गई। सो एक्स डैश एक्स और टी की टर्म्स में आ गया, सिमिलरली एक्स एक्स डैश और टी डैश की टर्म्स में आ जाएगा। अब टी डैश और टी के बीच में रिलेशन और चाहिए हमें। नाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी एंड टी डैश वी विल यूज दीज टू इक्वेशंस। तो जो x डैश है उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, सो ये आ जाएगा x इक्वल टू गामा x डैश प्लस वी टी डैश, सो x डैश की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, गामा गामा x माइनस वी टी और प्लस वी टी डैश, सो x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो गामा के अंदर, गामा स्क्वायर x माइनस वी टी प्लस गामा वी टी डैश, गामा वी टी डैश किसके इक्वल, ये लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस गामा स्क्वायर x माइनस वी टी। ओके, सो गामा वी टी डैश विल बी इक्वल टू x 1 माइनस गामा स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस गामा स्क्वायर वी टी, गामा वी से डिवाइड कर दो, x अपॉन गामा वी 1 माइनस गामा स्क्वायर प्लस गामा वी से डिवाइड किया तो गामा इंटू टी, इसमें से गामा कॉमन ले लो, सो यहाँ बचेगा t प्लस x अपॉन v 1 माइनस गामा स्क्वायर अपॉन गामा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देख लो जरा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 1 प्लस t प्लस x अपॉन v 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1। अब गामा स्क्वायर क्या फाइंड किया था हमने, 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सो 1 अपॉन गामा स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 अपॉन गामा स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, सो गामा टी प्लस एक्स अपॉन वी और ये माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सो टी डैश कम्स आउट टू बी गामा टी माइनस वी से एक वी कैंसिल, सो टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टी डैश एंड टी। सो कौन कौन से हो गए फॉर्मूला, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गए फिर, x डैश इक्वल टू गामा x माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर, दीज आर द लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। एंड इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन विल बी x इक्वल टू गामा
एक्स डैश प्लस वी टी डैश, वी की जगह माइनस वी, वाई इक्वल टू वाई डैश, जेड इक्वल टू जेड डैश, और टी विल बी इक्वल टू गामा टी डैश प्लस एक्स डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। सो दीज आर द इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ वी विल टेक ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये इनवेरिएंट है। एस फ्रेम में भी इसकी वैल्यू सेम है और एस डैश फ्रेम में भी इसकी वैल्यू सेम है। हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, क्योंकि वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही होगा, बिकॉज वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड। सो हमें एक्चुअल में ये प्रूफ करना है एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये तो ये इसके इक्वल करो या ये इसके इक्वल करो, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है, वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। ठीक, सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल लेते हैं और इसमें ये लेते हैं एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। ओके, सो ये किसके इक्वल प्रूफ करना, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो एक्स डैश की वैल्यू गामा एक्स माइनस वी टी इसका होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और टी डैश क्या है, गामा स्क्वायर t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो गामा स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू एक्स वी टी माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी टू द पावर फोर माइनस टू टी एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस टू टी एक्स वी, ये भी टू टी एक्स वी, इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। चेक इट आउट, गामा स्क्वायर सो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये आ जाएगी टर्म माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। टी वाली टर्म एक जगह ले लो और एक्स वाली एक जगह, सो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन ले लो, वी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन ले लो, सो ये हो जाएगा वन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। सो गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसमें से सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर लिख लो, वी स्क्वायर की बजाय सी स्क्वायर कॉमन लेना था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वन ऐसे। सो वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कॉमन आउटसाइड इस पूरे में से, सो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और गामा स्क्वायर किसके इक्वल है, यही वन अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो इससे कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। सो ये इसके इक्वल है तो ये टर्म इसके इक्वल होगी। सो दिस इज इनवेरिएंट अंडर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कंसिक्वेंसेज ऑफ लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, डोपलर इफेक्ट एटसेट्रा।